रउआ सबनी के प्रणाम। हमारे रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। तो चलिए आज हम बनाई भिंडी के मसालेदार भुजिया। तो कही कि भिंडी के मसालेदार फ्राई, तो हम आज भुजिया बनाई मसालेदार। तो एकदम सामान कम भी लगी और बहुत जल्दी भी बन जाए और बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए भिंडी के पहले हमनी के एक ध्यान रखी कि भिंडी के पहले धो के आ पानी के एकदम सुखा देवे कबा एक राजी से। जैसे हम भिंडी के धो दिले बनी आ पानी तनिक भी नहीं खे, देखी पानी बा तनिक भी पानी नहीं खे, तो भिंडी के सुखा ली आ तब काटी। तो चलिए हम भिंडी के पानी से धो के आ सुखा ले बनी अब काटते पहले। भिंडी के भी अपन अपन काटे के तरीका होला। आ भिंडी के कभी भी अगर टाइट होके तो ओकरा के भुजिया ना बनेला। तो भिंडी के कैसे काटे के बा तो एकरा के साइड कर देता नहीं। आ भिंडी के इतना बड़ा बड़ा काट के आ थोड़ा सा बीच में से चीरा लगा देवे के बाद, ये तरीका से हल्का सा चीरा लगा देवे के बाद, काहे कि जब भिंडी हम बनाए नू तो ओकरा में मसाला अच्छा से चल जाए के चाहिए। तो ये सब काट ले बड़ी ओकरा में हल्का सा बीच से चीरा लगा दी हूँ। ऐसे क्या होखेला कि कीड़ो दिख जाए, जो भिंडी में ज़्यादातर कीड़ा रहेला बरसात के दिन में, तो भिंडी के कीड़ा भी दिख जाए और एकरा में मसाला भी अच्छा से घुस जाए। जब मसाला घुस जाए तो खुद ब खुद टेस्टी हो जाए। एकरा के थोड़ा सा चीरा लगा के फिर काट देवे के बाद, और फिर चीरा लगा के इस तरीका से सब भिंडी के काट देवे के बाद, और जो टाइट होके वो भिंडी के ना काटब। इस तरीका से सब भिंडी काट लेवे के बाद, चलिए तो हम पहले काट लेता नहीं और तब रोआ के इसी तरीका से बताता नहीं। चलिए तो देखिए सारा भिंडी हम काट के रेडी कर देने बारी, और ओकरा बाद कि एकरा के अब बनावे चल जा। चलिए तो हम कढ़ाई बैठा दे बारी गरम होके के पहले से, एकरा में डालम तेल। ध्यान रहे कि तेल के बहुत तेज गरम हो जाए के बाद, भूजे भर अपन तेल डाल दे बनी और तेल के बहुत गर्म हो जाए दी और पूरा कढ़ाही में फैला दे हम तेल। चलते हमारे तेल गर्म हो गए बाद तेल के काल मतलब कलर चेंज हो गए तो समझिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गए। एक में डालम पचफोड़न, आधा चम्मच पचफोड़न वगैरह में डाल दे हम हींग, एक से डेढ़ चुटकी हींग। ये अच्छा से कड़क गई बा, अब एक में डालम जो भिंडी कटले रही है। या ध्यान रखें कि कभी भी भिंडी फ्राई होती है तो ढक ढक के जैसे मसाला चाहे सब्जी बनेला वैसे नीचे फ्राई करें। एक चूल्हा चलाते हुए फ्राई करें तो भाई इस तरीका से आँच के मीडियम कर देवे थोड़ा। देखिए तो आधा एक भुजा गई बा ये तरीका से, एक में भुजा ढक्कन लगा इस तरीका से भुजा गई बा। एक में नीचे मसाला डाले हैं, एक सब मसाला डाले के बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, ये काला सरसों पाउडर, धनिया पाउडर, हल्का सा गोल्की पाउडर, फिर इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा लहसुन के पेस्ट, और सब पीस के भून देंगे तो स्वाद अनुसार नमक। अब अच्छा से रख के भून दिया, देखिए तो यही तरीका से जब तक ले मसाला भुजा ना जाए तब तक ले कम आँच करके, जब मसाला डाल दी तो आँच के एकदम कम कर दी और तब तक भूजे, और अपने आप भुजा दे ना तो एकदम मसाला सब में चिपक जाए। एक रखे चलाते हुए ढक के और बिना ढके, याद रहे कि ढक के ना, बिना ढके ही मसाला भूज लेवे के पूरा। देखिए तो हमारे मसाला ये अच्छा से भुजा गई, अब एकरा के गैस के बंद करो और निकाल के दिखाओ। तभी
चलिए तो देखिए हमार भिंडी के भुजिया मसालेदार भुजिया गई। चलिए तो बताइए कि हमारे भिंडी के मसालेदार भुजिया कैसा लागल। उम्मीद करत कि रोवा सबनी के अच्छा लागल। तो हमारे रेसिपी देखे खातिर आप रोवा सबनी के बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आएंगे एक नया रेसिपी के साथ और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो सब कोई के प्रणाम।